में मातम पसरा हुआ है। इन लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। न सिर्फ इनके घर में मातम पसरा है बल्कि इनके आसपास के घरों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। इस बुजुर्ग महिला की आंखें रो रो कर सूख गई हैं। और उसके बाद फिर जो है ट्रीट किया था, आधे घंटे इलेक्ट्रिक विभाग ने कुछ नहीं। क्या उम्र रही होगी उनकी? दरअसल यूपी के गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र के देवरिया गांव के रहने वाले नीलेश नाम के युवक की दिल्ली में मृत्यु हो गई। वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो अपने कमरे से लाइब्रेरी जा रहा था। इसी दौरान कॉलोनी से निकलते समय गेट में तार टूटने से करंट फैल गया और उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लेकिन अब इस मामले पर मृतक के परिवार ने बड़ा आरोप लगाया है। मृतक नीलेश के पिता नरेंद्र नाथ पेशे से वकील हैं। उन्होंने नीलेश की मौत के लिए दिल्ली सरकार को दोषी बताया है। वहीं नीलेश के चाचा ने कहा कि मृतक नीलेश राय बेहद होनहार और मेधावी छात्र था। दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। वो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुका था और इस बार यूपीएससी को पास करने का मन भी बना चुका था, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। घटना की सूचना हम लोगों को आज सुबह 10 बजे प्राप्त हुई है। टेलीफोन के माध्यम से दिल्ली से लोगों ने बताया कि आपके घर का एक लड़का कल 3 बजे करीब करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों ने इसकी जांच करने के लिए वकील साहब को टेलीफोन किया गया तो बदहास अवस्था में वो बताया कि हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। अचानक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं दिल्ली में। लड़के के पिताजी। अच्छा। तो यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही से बिजली के खंभे और गेट में या पानी में करंट उतर गया था, जिससे इसकी मौत हो गई है। स्वभाव से अति आवश्यक, मतलब उतना अच्छा लड़का इस मोहल्ले में कोई नहीं था। सज्जन आखिरी सज्जन थे। वो गाजीपुर में गौतम बुद्ध कॉलोनी में रहते थे। मकान में मरा हुआ। आखिरी बार कब बात हुई थी? हमसे आखिरी बात इनसे आज से 3 महीने पहले हुई थी। क्या बोले, क्या कर रहे थे? कर रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। चाचा अब इस साल तो निकल जाना चाहिए हमारा। वहाँ से आइए अब जरा इस बुजुर्ग महिला को भी देखिए। ये नीलेश की दादी हैं, जो बदहवास रो रो कर परेशान हैं। यकीन नहीं हो रहा कि उसके घर का चिराग अब हमेशा के लिए बुझ गया है। बहुत दुख है। अब क्या कहे कि का सोचल बा, का हो गई, बहुत बड़ा घटना हो गई। उनका इकलौता लड़का, लड़का में लड़का, 100 लड़का में लड़का। कैसा स्वभाव था उसका? बहुत अच्छा। अभी कब आए थे वो? पुलिस ने पूरे मामले पर दिल्ली के रंजीत नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नीलेश के पिता नरेंद्र नाथ राय ने कहा कि बिजली विभाग दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार भले ही अपनी व्यवस्थाएं ठीक होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि कल रंजीत नगर थाना पुलिस को दोपहर करीब 2:43 पर जानकारी मिली थी कि पावर जिम पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई है। कुछ लोग छात्र को देखकर नजदीक पहुंचे तो वहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ था। छात्र एक लोहे के गेट में करंट की वजह से चिपक गया था। छात्र पटेल नगर में रहकर मेंस की तैयारी कर रहा था। चश्मदीदों की माने तो नीलेश सोमवार को राजेंद्र नगर की एक लाइब्रेरी जा रहा था। उसी वक्त पीजी के पास वाली गली में बारिश का पानी भरा हुआ था। पानी से बचने के लिए नीलेश ने लोहे का गेट पकड़ लिया। लोहे के गेट में करंट बह रहा था, इसी करंट की वजह से नीलेश की मौत हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।